रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिलें मिलेंगी और मिलने का मजा भी आएगा। बात बोलना चाहता हूँ, सबर का फल हमेशा मीठा होता है, ये बात ध्यान में रखो आप। इसी बात को लेकर मैं आज आपको बता रहा हूँ, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड ड्राइवर भर्ती। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करने लगे क्योंकि आज आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आया, उसमें आपकी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती नहीं आई। अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करने लगे, सर आप झूठ बोल रहे हो, सर आप ये बता रहे हो कि भर्ती आ रही अभी नहीं आई, कब आएगी भर्ती? तो मैं बता दूं, इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। ध्यान से रखो मैंने क्या बोला था, आपने क्या सुना था, क्या नहीं बोला, वो बात डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज बने रहो वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप डिसाइड करना कि चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना, उसके बाद में देखो आपकी मर्जी। देखो मैं बता दूं आपको, साफ साफ बता रहा हूँ, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और ड्राइवर की भर्ती मैंने एक महीने पहले बताया था, आपकी भर्ती मार्च में आ रही है। एक से डेढ़, शायद मैंने जनवरी में बता दिया, 2 महीने हो गए लगभग, मैंने बोला था मार्च 2022 में आपकी ये ट्रेड्समैन एंड ड्राइवर की भर्ती देखने को मिल सकती है। पोस्ट बताई थी मैंने आपको 5,000, कितनी बताई थी? 5,000 पोस्ट बताई। अब बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स करे, सर मार्च में भर्ती नहीं आएगी, मार्च में भर्ती नहीं आएगी, मार्च में भर्ती नहीं आएगी। तो मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मार्च में भर्ती आएगी। मैंने क्या बोला था वो ध्यान से सुनना, मैंने बोला था 5 मार्च से लेकर 15 मार्च, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज अभी नहीं आया। तो बहुत बोलने लगे सर 15 मार्च हो रहा है। अरे 15 मार्च नहीं भाई, आज 11 मार्च हुआ है, आज 11 मार्च हुआ है, अभी भी 4 दिन बाकी है, 4 दिन में कुछ भी हो सकता है। अब ये तो है नहीं कि आपका 15 मार्च बोला है, तो मैंने बोला है 5 से 15 मार्च के लगभग, ये भी मैंने बोला है। तो ये बताओ मेरे को 15 से 17 मार्च को आ जाए तो कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो फिर यार आप ऐसी छोटी छोटी बातों, एक एक डेट को फिक्स मत रखो, डेट कोई चीज ही फिक्स नहीं होती, इतना कोई आपको जानकार नहीं देगा, ना ही मेरे को देगा, सिंपल सी बता रहा हूँ, ना ही मेरे को कोई बताएगा भाई इतनी डेट कोई फिक्स भर्ती आएगी। ये डिपेंड करता है उस ऑफिसर के ऊपर जो रिक्रूटमेंट लेने जा रहा है, उस ऑफिसर के ऊपर डिपेंड होता है कि कब आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज निकाले। जो आपको मेरे पास इंफॉर्मेशन मिल रही है मैंने वो आपको प्रोवाइड कराई है, ये बात हकीकत है बिल्कुल। सारे यूट्यूबर से पहले जाके आप वीडियो देख सकते हो, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 ऐसा सर्च करोगे तो सारे यूट्यूबर से पहले अपना वीडियो मिल जाएगा। बता दूं मैं आपको, हाँ बाद में सारे यूट्यूबर बनाने लगे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको 100% अभी भर्ती आ रही है। अभी भी अपनी बात पर अड़िग हूँ, हो सकता है ये 15 का 17 मार्च हो सकता है, ये नहीं बोल रहा भाई अभी 15 मार्च को फिक्स आ जाए, 15 से 17 मार्च हो सकती है, या आपकी आ जाए 14 मार्च को भी, यह बात डिपेंड करता है कि भाई अभी कब भर्ती निकालनी है, उस ऑफिसर के ऊपर बात आती है। बात आती है 100%, 101% अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ कि आपकी भर्ती मार्च, अभी एक बात ध्यान में सुन लो, मार्च 2020 के अंदर अंदर आपको यह भर्ती देखने को मिलेगी, 2022 के अंदर, सॉरी सॉरी 2022 के अंदर अंदर। ये बात दिमाग में डाल लो अपनी, कि बहुत सारे बोलते सर आपने डेट, बिल्कुल यार मैं डेट बताई वो आप डेट मान नहीं रहे हो, तो मैंने ये डिसाइड किया मेरे आपको मार्च 2022 के अंदर ये भर्ती देखने को ना मिल जाए, तो आपके भाई को गालियां दे रहा बदी बदी, और यही आपका यूट्यूब चैनल है और यही मैं आऊँ, टेंशन मत करो आप। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी बातें ना करो, और जो बच्चा सोच रहे ना कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल भर्ती आएगी, तैयारी भी कराएंगे इसे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपको फ्री सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। आप तो बस अपना विश्वास बनाए के रखिए, आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार मिलेगा, कभी आपको धोखा नहीं देगा। लगभग 5,000+ पोस्ट पर यह भर्ती आने वाली है। बता दूं मैं आपको, इसमें एक बड़ा चेंजेस होने वाला है, इसमें एक बड़ा चेंजेस होने वाला है। 1600 मीटर की रेस में आपको 8.5 से मिनट यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, और आपको फीमेल कैंडिडेट सॉरी 800 मीटर की रेस में यहाँ पर 5 मिनट के लगभग यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। एक बड़ा चेंजेस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है इसमें, कि आपका 10th+ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर करने की बात चल रही है अभी।
यानी 2 इयर्स एक्सपीरियंस करने की, 2 साल का एक्सपीरियंस लगाने की यहाँ पर बात चल रही है कि आप 2 साल का एक्सपीरियंस लगाएगी नहीं लगाए, वो बात यहाँ पर चल रही है कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस। मैं बोल रहा हूँ अभी भी जिस बच्चे ने बीएसएफ का बना लिया कोई दिक्कत नहीं, जिस बच्चे ने नहीं बनाया वो भी बनाकर तैयार रखे भाई, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस आपका लगेगा। बाद में आप 2 दिन में एक्सपीरियंस बना नहीं पाओगे, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ किस तरीके से एक्सपीरियंस बनाना है वो सब कुछ मैं आपके लिए वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में आप एक्सपीरियंस बना लेना। तो मैं बता दूं एक्सपीरियंस की बात यहाँ पर मैं फिर भी बता रहा हूँ, हो सकता है 99% आपका एक्सपीरियंस लग जाए, 1% एक्सपीरियंस आपका नहीं भी लगे, ये बात डिपेंड करती है कि हो सकता है सीआरपीएफ सोचे नहीं यार जिस तरीके से पहले भर्ती होती आ रही है उसी तरीके से हम भर्ती कराएंगे। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि आपकी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती 5,000+ पोस्ट ऊपर आपकी आ रही है, 4800 लगभग 4875 पोस्टों के लगभग ये भर्ती है, बिल्कुल इतनी आपकी वैकेंसी आ रही है जिसके अंदर आपके 2000+ ड्राइवर हैं और बाकी सारे के सारे नहीं, 2000+ आपके ट्रेड से बाकी सारे आपके 1800 के लगभग यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट है, ये बात ध्यान में रखो। तो प्लीज आप ऐसी ब्रेकिंग न्यूज और ऐसी ऑथेंटिक जानकारी के लिए ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका भाई आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भर्ती आ रही है आ रही है आ रही है, और जब भी आएगी सबसे पहले लाइव लेकर आपके सामने आ जाऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका भाई आपको हमेशा तैयार मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाइयों।